हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स, यानी रिस्क और कंट्रोल्स के बीच में हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या रिस्क हैं और किस तरीके से रिस्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल्स क्या हैं, कंट्रोल्स किस टाइप के होते हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, किस तरीके से क्या रिस्क मिटिगेशन है और क्या रिस्क एस्टिंग्विशमेंट है, रिस्क मिटिगेशन क्यों किया जाता है, रिस्क एस्टिंग्विशमेंट क्यों नहीं किया जाता है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है, रीजनेबल रिस्क क्या है, इन सब के डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। और बेसिकली हमने ये जाना था कि रिस्क जो है क्वांटिफाई करना, मैथमेटिकली क्वांटिफाई करना इम्पॉसिबल टास्क है। कोशिश करते हैं हम, एक्सपोजर के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सपोजर और इम्पैक्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, हमने ये जाना था एक्सपोजर क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। हमने क्या कहा था कि एक्सपोजर कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि एक्सपोजर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सपोजर, ये पोटेंशियल लॉस जो है वो एक्सपोजर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये लॉस हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ एसेट निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वनरेबिलिटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सपोजर, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इम्पैक्ट होगा तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो हमने ये जाना था कि परफेक्शन नहीं है वहाँ पर, लेकिन क्या है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे तो नया ऑडिटर आएगा तो उन रिस्क को इमीडिएटली समझ जाएगा, नया आदमी आएगा तो उनको उसको इंस्टेंटली आइडिया हो जाएगा। एक साइंटिफिक मेथड से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इवन जहाँ पर साइंस में भी, जहाँ पर हम एग्जैक्ट चीज़ें फाइंड आउट नहीं करते हैं वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, और प्रोबेबिलिटी में लार्ज सैंपल होता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें किधर की तरफ जा रही हैं। बेसिकली इवन कैसीनोज़ में, कई कैसीनोज़ में अगर हम बार बार देखेंगे कि क्या नंबर्स आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है नंबर किस तरफ बायस्ड हैं, और हम एक स्ट्रेटजी, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तो वो 100% सही नहीं होता है, इंडिविजुअल आप पासा फेंकेंगे तो उसके लिए सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1000 बार पासा फेंकेंगे या 10000 बार पारा फेंक रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे क्या है कि कैसीनोज़ का धंधा कैसे चलता है, कैसीनोज़ का बिज़नेस कैसे चलता है, वो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है, उसके पीछे एक मैथमेटिक्स होती है और उसकी वजह से क्या है, कैसीनो कभी लॉस में नहीं रहता है, इंडिविजुअली लॉस में, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में, इंडिविजुअल डे में लॉस में रहे, लेकिन साल भर के ट्रांजैक्शंस में वो कभी लॉस में नहीं रहता है क्योंकि ऑड्स कैसीनो के फेवर में बायस किए जाते हैं, थोड़े से बायस किए जाते हैं। तो कभी जुआरी हारता है, कभी जुआ खाना हारता है, लेकिन अल्टीमेटली जीत जुए खाने की होती है, जुआरी की नहीं होती है, जो जुआरी रेगुलर खेल रहा है उसकी नहीं होती, क्योंकि बायस क्रिएट किए जाते हैं। इसी तरीके रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है, फ्यूचर का खेल है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर अनसर्टेन है, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स उसे डिटरमाइन नहीं कर सकती। आज तक मैथमेटिक्स ने फ्यूचर को 100% कैप्चर नहीं किया। एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 100% एक्चुअल में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें जाना था और हमने ये जाना था कि हम साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े और हर चीज़ को हमने डॉक्यूमेंट करके रखेंगे ताकि ऑडिटर आए, मैनेजमेंट के लोग आए, सारे लोग आए, उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और उनको पता चल जाएगा, इंस्टेंटली पता चल जाएगा ये रिस्क है, ये रैंक की रिस्क रैंकिंग है, यहाँ पर रिस्क है और ये रिस्क मिटिगेशन हम कर रहे हैं और ये लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है तो हमें ये निकला है। तो ये सारी चीज़ें एक बार ऑडिटर को पता चल जाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को पता चल जाए, मैनेजमेंट को पता चल जाए, नया ऑडिटर आएगा तो उसको भी पता चल जाएगी और मैनेजमेंट को भी इंस्टेंटली पता चल जाएगी। अब हमारी स्टडी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स के बारे में कहती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या है, सिंपल, रिस्क को रिड्यूस करना, या ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या है, पोटेंशियल लॉस को रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना। जो पोटेंशियल लॉस है, जो लॉस हो सकता है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस जो है, जो हमने कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू, एक्सपेक्टेड लॉस क्या, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन तो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन रियल लॉस क्या होगा हमें पता नहीं। तो जो पोटेंशियल लॉस है उसको रिड्यूस करना और अगर पॉसिबल हो पूरी तरीके से इलिमिनेट कर देना, मतलब एक्सपोजर को ही इलिमिनेट कर देना। तो एक्सपोजर बेसिकली, एक्सपोजर को हम एलिमिनेट करके बात कर रहे हैं, तो एक्सपोजर कब अराइज होता है, जो हमने पढ़ा, एक्सपोजर बेसिकली क्या है, पोटेंशियल लॉस है, रियल लॉस नहीं, पोटेंशियल लॉस हो सकता है अगर थ्रेट मटेरियलाइज हो गई,
अगर थ्रेट मटेरियलाइज होगी तो, अगर थ्रेट मटेरियलाइज होगी तो एक्सपोजर हो सकता है और उस एक्सपोजर को हम लिमिट करते हैं, यही कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक्सपोजर के कुछ ना कुछ कॉज होते हैं, कारण होते हैं, किसी भी वजह से वो एक्सपोजर होता है। तो हमारी स्टडी ने कुछ एक्सपोजर को कैटेगराइज करने की कोशिश की, जैसे एरर्स और ओमिशंस होते हैं डेटा में, प्रोसीजर प्रोसेसिंग जजमेंट और कंपैरिजन में। जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई जजमेंट है, जजमेंट कॉल्स हैं और कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहाँ पर एरर्स और ओमिशंस हो सकते हैं, इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन हो सकता है, इम्प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, प्रोसीजर्स के रिकॉर्ड, प्रोसेसिंग के रिकॉर्ड, जजमेंट के रिकॉर्ड, कंपैरिजन के रिकॉर्ड। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज डेटा प्रोसेसिंग गड़बड़ हो गई, तो क्या होगा कि वो डेटा वैल्यूएबल नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर पेरोल प्रोसेस हो रहा है और डेटा गलत प्रोसेस हो गया, तो इसका मतलब प्रोसेस डेटा की वैल्यू नहीं है। अगर सैलरी गलत निकल गई, अगर 10-10, 20-20 रुपये से ऊपर नीचे भी निकल गई, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डेटा के केस में बड़ी एक्सट्रीम चीज़ें हैं, कई बार बहुत वैल्यू और फिर नहीं वैल्यू। जैसे एक मूवी देख रहे हैं, अगर मूवी में डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ब्लर आ रही है, तो आप नहीं देखना चाहोगे। या तो उसकी वैल्यू है या उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत जगह में शार्प डिक्रीज इन वैल्यू होती है अगर डेटा के साथ कोई प्रॉब्लम है। आप एक पिक्चर देख रहे हो, आप हीरो या हीरोइन को देख रहे हो, तो मालूम पड़ा हीरो हीरोइन के दांत थोड़े बड़े हो गए, निकल के आ गए मूवी में, दिखाई दे रहे हैं, तो वो मूवी का मज़ा ख़राब कर देंगे। वो ऐसा लगेगा कि जैसे ड्रैकुला है, तो जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू वो बहुत कम कर देगा। तो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बड़ी तेज़ी से डाउन होती है, और इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई इनएफिशिएंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है प्रोसीजर्स प्रोसेसिंग और कंपैरिजन के रिगार्डिंग। तो जो भी प्रोसीजर हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग हो रही हैं, जो भी जजमेंट कॉल्स ली जा रही हैं, जो भी कंपैरिजन हो रहे हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि डेटा सही तरीके से प्रोसेस हो। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि कुछ क्रिटिकल कंट्रोल कंसिडरेशन होते हैं कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स, कंप्यूटिंग फैसिलिटी। उसके पीछे आईएएस फैसिलिटी यही डेटा को प्रोसेस करने में, डेटा को अवेलेबल कराने में, डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने में हेल्प रखती है, क्योंकि वहाँ पर पावर प्लग है, पावर प्लग गया तो डाउन टाइम आ जाएगा, डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा। मालूम पड़ा बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस गया और वहाँ पावर चलेगी, वो अवेलेबल ही नहीं होगा, सारे के सारे एटीएम धरे के धरे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, कुछ क्रिटिकल कंट्रोल कंसिडरेशन है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में, और वो कंसिडरेशन क्या है, कई बार मैनेजमेंट नहीं अंडरस्टैंड करता आईएएस रिस्क को। पुराने लोग बैठे रहते हैं और पुराने लोग ये नहीं जानते हैं कि 4 या 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। गॉर्डन मूर्स की मूर्स लॉ आ गई है, हर 18 महीने में कंप्यूटिंग पावर डबल हो जाती है और उसकी कॉस्ट आधी हो जाती है। यानी कि आज 1 इंच बाई 1 इंच एरिया के चिप में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आ गए हैं। किसी टाइम पर उसमें एक डायोड नहीं आता था, 1950 के करीब में एक डायोड नहीं आता था। आज की डेट में i7 या जो मोबाइल है, SX मोबाइल है, हाई एंड मोबाइल है, उसमें उतनी कंप्यूटिंग पावर है जितनी हिटलर अपनी पूरी फौज लगा देता आपके पीछे वो करने के लिए। हिटलर तो छोड़िए, जिस समय US नासा मिशन जा रहा था, उसमें पूरी नासा के पास वो अपोलो मिशन जा रहा था चांद में, उतनी उस समय नासा के पास उतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी जितनी आज के हाई एंड मोबाइल्स में, SX मोबाइल वगैरह में है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट आईएएस रिस्क को समझता नहीं है, आईएएस रिस्क और आईएएस रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये नया एरिया है और ये एरिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आईएएस कंट्रोल फ्रेमवर्क ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं या इनएडुकेट आईएएस कंट्रोल फ्रेमवर्क होते हैं। तो अगर जनरल कंट्रोल्स या आईएएस कंट्रोल्स नहीं हैं या वीक हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होती, कई बार जॉब डिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं डिफाइंड होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती आईएएस कंट्रोल्स की। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छी तरह से नहीं है और उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में जैसे हमने पढ़ा गैप्स हैं या ओवरलैप्स हैं,
गैप्स हैं तो भी प्रॉब्लम है, ओवरलैप्स हैं तो भी प्रॉब्लम। अगर दो जनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कहेगा वो मैं तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, दूसरा कहेगा मेरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। तो यानी प्रिसाइज लैक ऑफ प्रिसाइज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो उससे क्या होगा, आईएएस कंट्रोल्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब पर्टिकुलर कंट्रोल वीक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर में किस पता नहीं होगा कि ये काम किसका है। फाइनली लास्ट में तो ह्यूमन ही है, आगे चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं लेकिन फाइनली लास्ट में ह्यूमन ही है, उसी उसको अकाउंटेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में तो जहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, व्हाट्सएप जैसी कंपनी 50 लोगों में से $19 बिलियन में बिकती है, वो कंपनी की वैल्यू $19 बिलियन है, हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी $1900 बिलियन की है, 125 करोड़ लोग $1900 बिलियन बना रहे हैं, तो वो एक आदमी ह्यूज रिसोर्सेज कंट्रोल करता है वहाँ पर, ये उसके तो वहाँ पर गैप्स नहीं अलाउड नहीं हो सकते। और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में छोटा इम्पैक्ट है लेकिन इम्पैक्ट है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर कट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, आईएएस कंट्रोल की अकाउंटेबिलिटी क्लियर कट होनी चाहिए। अगर कंट्रोल्स वायलेट हो रहा है और कोई इम्पैक्ट हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फायर हो गई तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो क्यों नहीं लगा वहाँ पर, क्यों नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्यों एक्सपायरी डेट उसकी नहीं दी, एडमिन से पूछा जाएगा। अगर वायरस आ गए तो फायरवॉल क्यों नहीं लगी थी, एंटीवायरस क्यों नहीं लगे थे, आईटी के पर्टिकुलर बंदे को बोला जाएगा। अगर डेटाबेस बैठ गया तो क्यों, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा था। अगर वहाँ पर डेटाबेस में वायरस आ गया तो वहाँ पर क्यों नहीं कंट्रोल्स लगे थे, डेटाबेस के चारों तरफ फायरवॉल्स क्यों नहीं काम कर रही थी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट होनी चाहिए। मालूम पड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, दोनों चीज़ का हमने डिफरेंस पढ़ा। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की हायर पोजीशन होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक डेटाबेस को मैनेज करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एक या दो डेटाबेस को मैनेज करता है, बहुत सारे डेटाबेस हैं आपके पास, सपोज डेटाबेस सर्वर बहुत ज़्यादा हैं तो DBA लगा रखे हैं आपने, साथ में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है। मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर काम है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये समझता नहीं कि मेरा काम है और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं समझता है, गैप्स हो गए। तो अगर कोई डिज़ास्टर हो गया वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा मेरे को भी नहीं पता था, मैं तो इसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था इसको। तो एग्जैक्ट जो जॉब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने जैसे बोला कि लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज, आईएएस रिस्क की नॉलेज ही नहीं है, आईएएस रिस्क के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो बिजनेस यूज़र, और कई बार क्या होता है बिजनेस यूज़र को तो नहीं होती तो कोई बात नहीं, आईटी स्टाफ को भी नहीं होती है, आईटी स्टाफ को पर्टिकुलर आईएएस रिस्क की नॉलेज नहीं होती, उनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो अवेयरनेस नहीं होगी तो कंट्रोल सही तरीके से काम नहीं करेंगे, वो लगेंगे ही नहीं। पहले स्टेप है अवेयरनेस, आदमी को पता होना कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चीज़ है, कहाँ प्रॉब्लम होगी, तभी तो उसको समझ में आएगा, नहीं तो मालूम पड़ा उसको पता ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में क्या होता है, यहाँ एक्सटेंडेड एंटरप्राइजेज होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेज होते हैं, वहाँ पर कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स होता है। मालूम पड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 25 उसके ऑफिसेज हैं, एक दूसरी कंट्री में है, इस कंट्री में है, इस कंट्री में छोटा ऑफिस भी है, बड़ा ऑफिस भी है, छोटे ऑफिस में अलग कंट्रोल्स लगेंगे, बड़े ऑफिस में कंट्रोल लगेंगे, एक छोटा ऑफिस है लेकिन वहाँ पर डेटाबेस है, डेटाबेस सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उस छोटे ऑफिस में सेंट्रलाइज डेटाबेस अलग बैकअप रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है, और एक जगह दूसरी छोटा ऑफिस है वहाँ पर डेटाबेस रखा हुआ है, दो सेग्रीगेटेड डेटाबेसेस रख रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से, तो वो सेग्रीगेटेड डेटाबेस इंपॉर्टेंट होंगे। और जो नॉर्मल ब्रांच ऑफिस है उसमें उतने कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर उसमें वो आईटी का कनेक्शन जा रहा है और उसके अलावा वो बाहर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, फायरवॉल लगाने पड़ेंगे ताकि वायरस वगैरह एंटर उस रूट से एंटर होकर अंदर ना आए। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ये एक्सटेंडेड एंटरप्राइज में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है, तो वहाँ पर कई बार नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता है कि किस तरह से काम होगा, वहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्या होता है कि हाईली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर कंट्रोल फीचर्स उतने नहीं होते, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि वो हाई कटिंग एज में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी मार्केट में अवेयरनेस ही नहीं बनी है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो जाती है, इनएडुकेट सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी होती है टेक्नोलॉजी में। आप एक टेक्नोलॉजी लेकर आए, उसमें एडुकेट सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी है ही नहीं, मालूम पड़ा आपके पास एक टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो पुरानी है, 2 साल पुरानी है, और हैकर्स क्रैकर्स तैयार रहते हैं। कोई सॉफ्टवेयर लेकर आए, मालूम पड़ा वो उन्हें पहले ही पता है उसके लूप होल्स क्या हैं। तो सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी है ही नहीं है, इनएडुकेट है, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करती है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल कंसिडरेशन है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में। कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट की लैक ऑफ नॉलेज, आई की, इवन यू बिजनेस यूजर की लैक ऑफ नॉलेज, इवन आईएएस इंफॉर्मेशन आईटी स्टाफ की लैक ऑफ नॉलेज। अगर इनके पास लैक ऑफ नॉलेज, और लैक ऑफ नॉलेज होना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि आईटी चेंज हो रही है, 4-5 साल में तो पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, और जहाँ पूरी एक जनरेशन चेंज हो जा रही है 4-5 साल में, वहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज होना बहुत आम बात है। वहाँ पर अपडेट नहीं, लर्निंग और अनलर्निंग होना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लर्निंग और अनलर्निंग, लर्न करना फिर अनलर्न करना फिर नई चीज़ लर्न करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो कब तक लर्न अनलर्न करेगा आदमी, आदमी जो है नहीं कर पाता, कई बार वो चेंज नहीं हो पाता उतनी तेज़ी से, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वहाँ कई जगह पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन या तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, तो वहाँ पर आईएएस कंट्रोल वीक हो जाते हैं, क्योंकि गैप्स आ जाते हैं या ओवरलैपिंग हो जाती है, किसी को पता ही नहीं होता है किसी का काम है, या 2 आदमी को पता है, 2 आदमी कह रहे हैं मेरा काम है मेरा काम है, और कर कोई नहीं रहा है। जैसे कि क्रिकेट में बॉल चौका मारने की कोशिश की, बॉल आसमान में गई, 2 फील्डर दौड़ रहे थे, अचानक रुक गए, बॉल नीचे गिर गई। कई बार फील्ड में आपने देखा होगा, दोनों सोच रहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अचानक रुक गए, उन्होंने कहा उसकी थी, जब डिज़ास्टर, जब इम्पोर्टेंट टाइम आया डिज़ास्टर स्ट्रक कर गया। तो बेसिकली उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, अभी उतने सिक्योरिटी फीचर्स ही नहीं आए, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, इनएडुकेट टेक्नोलॉजी फंक्शनैलिटी होगी। तो ये क्रिटिकल कंट्रोल कंसिडरेशन है, इनको हमें देखना पड़ेगा, कंट्रोल्स में ये देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉलेज नहीं है तो नॉलेज दो, अगर कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वायरमेंट है, तो उसमें कंट्रोल्स आगे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी से आगे कंट्रोल्स होने चाहिए, 1 कदम आगे कंट्रोल्स रहने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए किसका क्या वो है, जॉब है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन हेल्प डेस्क होनी चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट का एक आदमी या पर्टिकुलर, अगर कोई आप ये नहीं, आपको पता नहीं है आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं कन्फ्यूजन है, तो पता होना चाहिए, आप एस्केलेट कर सको, ये आपको पास पावर्स होनी चाहिए, मैनेजमेंट को पूछ सको कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये आप बताएं तो सही। इसके बाद हमारी स्टडी साइलेंट फीचर ऑफ कंट्रोल्स के बारे में कहती है, और साइलेंट फीचर ऑफ कंट्रोल्स में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में चली जाती है। वो कहती है फंडामेंटल प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का वही है इंटरनल कंट्रोल का जो है, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल क्या है, एसेट को वो कर रहा है, सारे एसेट्स को इंटरनल कंट्रोल, बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, एसेट्स को सेफगार्ड करता है, और उसके बाद वो देखता है कि धंधा, बिजनेसमैन क्या करता है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो धंधा करता है, वो कहता है पूंजी बची रहे, एसेट बचे रहे, मेरे एसेट यहाँ पर हैं, और जो एसेट यूज़ हो रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हों, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, धंधा अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये साइलेंट फीचर है, और वही इंटरनल कंट्रोल में हमारे ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि एस सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स होनी चाहिए, और क्या कहते हैं आपके कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, और फिर उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट आउट होना चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट आना चाहिए, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है, एनजीओ वगैरह की बात अलग है, और फिर वो कहते हैं कि एफिशिएंटली यूटिलाइज होनी चाहिए एसेट्स। यहाँ पर एसेट्स ही चेंज हो गया है, इन्फॉर्मेशन हो गई है,
डेटा हो गया, डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा को आप ठीक रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, डेटा ही इन्फॉर्मेशन बन जाता है, इन्फॉर्मेशन ही डेटा है, डेटा ही इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने चेंज किया, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपने चेंज किया तो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, वो इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल हो जाती है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जब डेटा से वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। वो इन्फॉर्मेशन एसेट जो कि इनटेंजिबल है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, वो इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, क्योंकि उसी से आप नीचे के इकोनॉमिक एसेट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हो, लग गए हो, एफिशिएंटली कंट्रोल कर पा रहे हो उससे, तो वो पैदा हो गई। तो उन्होंने एक और नई चीज़ बना दी आईएस, और वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, इतनी आज की डेट में वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, सारे एसेट्स बच्चे हो गए हैं उसके सामने। इन्फॉर्मेशन एसेट सबसे प्रीमियम हो गई। सुबह एक बच्चा मार्क जुकरबर्ग नाम का एक बच्चा उठता है डोमेट्री में, और कल की डेट में वो 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी फेसबुक पैदा कर देता है। और वो कंपनी क्या बनाती, कुछ नहीं, वो कंपनी केवल डेटा प्रोसेस करती है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और वहीं से एक नई जंतु पैदा हो गया जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। तो वो भी तो एसेट है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी तो एसेट है, इन्फॉर्मेशन है। फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन जो है उसमें, वो उसे प्रोसेस करेंगे, और उसके नीचे हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के बाद आईएएस फैसिलिटी होगी। तो बेसिकली ये पूरी चेन इंपॉर्टेंट हो गई है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट इसे कह सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया, और ये भी इसका हमें इंटरनल कंट्रोल करना है। तो स्पेशलाइज्ड टाइप का एसेट का ऑडिटर हो गया इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, अगर हम ये कहें स्पेशलाइज्ड एसेट। और वो एसेट क्या है, वो एसेट बड़ा अजीब एसेट है। पहले एसेट तो दिखता था, टच कर सकते थे, वो दिखता नहीं है, टच भी नहीं कर सकते उसे, वो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो पिक्यूलियर एसेट हो गया। तो जो नॉर्मल ऑडिटर थे उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी उसको ऑडिट कर सके, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से सोचते थे। तो बेसिकली हम अगर इसे समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो है वो एक स्पेसिफिक एसेट का ऑडिट करता है, जिसका नाम डेटा या आपका इन्फॉर्मेशन है। और यही रीज़न है, बेसिक ऑडिटिंग प्रिंसिपल सेम रहेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम रहेंगे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं, कहाँ पढ़ लिए, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के, तो वो भी यहीं पर अप्लाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स में वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली ये कहते हैं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, हमारा काम तो केवल ओपिनियन देना है, हमारा मस्त काम है। तो कहने का मतलब ये, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम रखने के लिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है आईएएस सिस्टम को सही तरीके से रखने के लिए, उसको उसका रिस्क असेसमेंट करने के लिए, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, उसकी फैसिलिटी को सही तरीके से करने के लिए। और मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए, रिस्क असेसमेंट वगैरह करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा, आईएएस कंट्रोल्स लगाएगा। नॉर्मल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स देखता है, कैसे देखता है, इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं साइज और नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें उसके अनुसार अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। तो एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम्स होने चाहिए और वेरियस इंटरनल कंट्रोल होनी चाहिए, और वेरियस कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल साइज और नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑडिटर रीजनेबली एश्योर करेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम एडुकेट है और सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, और जिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल ऐसे एश्योरेंस को, इस चीज़ को एश्योर करता है। नॉर्मली हमें ये आश्वस्त बनाता है, तो उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ये एश्योर करता है कि जो अकाउंटिंग है इन्फॉर्मेशन एसेट के प्रस्पेक्टिव में, यानी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट, ये सारी कर ली गई हैं और उसके अनुसार कंट्रोल लगा दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा चीज़, हमारी जो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ऑडिटर रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी देखेगा इन्फॉर्मेशन की जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए और सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके बाद
वो स्टडी करेगा, इवेल्युएट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल्स को जिनमें वो रिलाई करना चाहता है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, नेचर एक्सटेंट और टाइमिंग ऑडिटिंग प्रोसीजर्स का डिटरमाइन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किताब लिखना, बुक कीपिंग करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई करना, इंटरनल कंट्रोल इंस्टीट्यूट करना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन देखना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, सॉरी ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग सिस्टम सही होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। इसी तरीके से आईएएस ऑडिटर के केस में अगर देखा जाए तो आईएएस ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा वो एसेट सेफगार्ड है कि नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट है वो सेफगार्डेड है कि नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी अकाउंटिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कंट्रोल सही तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये सारी चीज़ें हैं देखेगा। तो यानी कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो नॉर्मल अकाउंटिंग फंक्शन से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, क्योंकि एक नया एसेट पैदा हुआ है और वो वैल्यूएबल होता चले जा रहा है, तो जो अकाउंटिंग सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन से वो एक्सटेंड करते जाएंगे और इंटरनल ऑडिट उसको कवर करेगा। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ये देखेगा वो कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, जो नॉर्मल एक तो नॉर्मल बुक कीपिंग, नॉर्मल एसेट्स सेफगार्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेगा, तो वही चीज़ वो आईटी डिपार्टमेंट में जाकर देखना स्टार्ट करेगा, इंफॉर्मेशन एसेट की क्या वैल्यू है, वहाँ पर कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो एसेट सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर रिस्क है कि नहीं है, क्या रिस्क है, रिस्क असेसमेंट के अनुसार एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क जो है उसके अनुसार कंट्रोल, उसके कमेंसरेट कंट्रोल है कि नहीं है, उसके जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने डिटरमाइन किया वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ और नेचर के अनुसार है कि नहीं है, और उसके अनुसार कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर देखेगा। तो कहने का मतलब ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक स्पेशलाइज्ड आदमी है, और वो स्पेशलाइज्ड आदमी वो आदमी के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि स्पेशलाइज का एसेट हो गया, और वो एसेट इतना बड़ा हो गया पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने गौण हो गया, छोटा हो गया। आज की डेट में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंडेंट हों, और कल की डेट में डेटा इंपॉर्टेंट होता चले जाएगा और नीचे की एक्टिविटी ऑटोमेटेड होती चली जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि रोबोटिक्स आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़े, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो एआई कई जगह पर आ गई, जैसे चेस है आपका, नेचुरल लैंग्वेज है गूगल वगैरह में, ये नॉर्मल दिख रही है, बिग डेटा आ गया है, रिकर्सिव एआई और जनरल एआई भी नहीं आई है, लेकिन हम उस उधर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो नीचे के काम ऑटोमेटेड होते चले जाएंगे, क्योंकि आदमी उसे करेगा तो कॉस्ट होगी, नीचे के काम एफिशिएंटली रोबोट्स या वो करने लगेंगे, नैरो एआई जनरल एआई से होने लगेंगे, और हमें जो आदमी को है वो डेटा मिलता रहेगा और वो डेटा से कंट्रोल करता रहेगा, सेंसर्स लगे होंगे, सेंसर्स डेटा क्रिएट करेगा, डेटे से आदमी उस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और चूंकि ये बढ़ता चला जाएगा तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होने के लिए नॉर्मल ऑडिटर होना वैसे कोई जरूरी नहीं है लेकिन आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऑडिटर हैं तो आपको प्रोस्पेक्टिव समझ में आ जाएगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो वैल्यू है डेटा की वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल। अगला टॉपिक है आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। वैसे हमारी स्टडी में दोनों टॉपिक्स एक साथ होने चाहिए थे, क्योंकि कुछ क्यों अलग किए गए मेरी ये समझ में नहीं आया। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स और आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स में आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की ही बात की जा रही है, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंट्रोल में उसी की बात की जा रही है, लेकिन हमारी स्टडी दी है, मैं दिया है तो फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और फिर उन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल जो हैं, जो हमने पढ़े हैं उसी तरीके से आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया हुआ है, बात वही कही गई है, दोनों टॉपिक मर्ज्ड होनी चाहिए, एक ही होने चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी स्टडी में दिया हुआ है तो हम उसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।